एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस टॉपिक को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। इसमें से मैं आपको बीच बीच में से कई क्वेश्चन भी बताऊंगी जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बच्चों जब भी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोटल, अरस्तू का। एरिस्टोटल ने क्या किया था कि मॉर्फोलॉजी को बेस बनाया था और उस आधार पर उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। उनने बताया कि दो ऑर्गेनिजम्स को जो है दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स को आगे क्लासिफाई किया मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि दिखने में कैसे लगते हैं, अपीयरेंस कैसी है। तो जो प्लांट्स जो छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे, उनको उसने कह दिया हर्ब्स है। फिर जो झाड़ी जैसे दिखे उनको कह दिया श्रब्स है। और जो बहुत बड़े हैं उनको कह दिया उसने कि ट्रीज है। ये तो बात हुई किसकी, प्लांट्स की। फिर बात आती है एनिमल्स की। एनिमल्स को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। एक वो एनिमल्स जिसमें रेड ब्लड मिलता है। आप कहेंगे मैम ब्लड तो रेड ही होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आपके लिए नीट के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो एनिमल्स बताइए जिसमें कि रेड ब्लड नहीं होता है। जी हाँ, रेड ब्लड नहीं होता है। और उन एनिमल्स के नाम है, एक तो है ऑक्टोपस है और एक है आपके जो एंटार्क्टिका में मिलती है एंटार्क्टिक ब्लैक फिन फिश है, आइस फिश है। एंटार्क्टिक ब्लैक फिन आइस फिश है जिसमें कि रेड ब्लड नहीं होता है। और साथ ही साथ ऑक्टोपस का नाम आपको याद रखना है। तो इस बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इसके बाद एरिस्टोटल के बाद आए लीनियस। लीनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हु गिव्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आपका आंसर होगा लीनियस। और इन्होंने भी क्या करा, ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है प्लांटी यानी कि इसमें क्या आएंगे, प्लांट्स, और एनिमेलिया जिसमें कि क्या आएंगे, एनिमल्स। लेकिन इस क्लासिफिकेशन ने ये नहीं बताया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहां रखे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक कौन से होते हैं, एल्गी क्या है, फंजाई क्या है, ये सबको ये नहीं क्लियर कर पाया। तो इसीलिए इस जो क्लासिफिकेशन को भी बहुत ज्यादा नहीं माना जाता। के बाद आए आरएच विटेकर, और आरएच विटेकर ने दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था इसमें इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स में रखा। वो किंगडम्स कौन कौन सी है, सबसे पहले हम उसके नाम देखते हैं। पहली थी मोनेरा, दूसरी थी प्रोटिस्टा, तीसरी थी फंजाई, चौथी थी प्लांटी और पांचवी थी एनिमेलिया। यहां मेरे पास जगह कम पड़ गई तो मैं नीचे लिख रही हूं और यहां इसलिए जगह छोड़ी क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो बेसिस जिसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन किया था। पहले हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं लाइंस के थ्रू, प्लांटी और एनिमेलिया। अब ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया बेटा, इसके कई बेसिस थे, कई क्राइटेरिया थे। वो क्राइटेरिया क्या थे, सबसे पहला जो क्राइटेरिया था वो था सेल टाइप को लेकर। सेल टाइप का मतलब होता है बेटा कि वो जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा जो क्राइटेरिया इन्होंने लिया वो लिया सेल वॉल को लेकर, यानी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, काइटिन की है कि सेलुलोज की है कि नॉन सेलुलोजिक है। तीसरा जो इन्होंने क्राइटेरिया लिया वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लेकर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एबसेंट है। फिर जो चौथा क्राइटेरिया लिया वो इन्होंने लिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बच्चा कि इन किंगडम्स में बॉडी सेलुलर लेवल की है, टिश्यू लेवल की है, इसमें ऑर्गन्स है या नहीं या ऑर्गन सिस्टम है, वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। फिर लास्ट जो इन्होंने क्राइटेरिया लिया वो इन्होंने लिया कि इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी वो ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब यानी खुद अपना खाना बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक यानी दूसरे से डिपेंड, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है खाना बनाने के लिए। तो लास्ट क्राइटेरिया क्या हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म आए इनमें सेल टाइप किस तरह का था और बाकी सब में किस तरह का था। तो देखो जब मोनेरा की बात करते हैं तो यहां पर जो सेल टाइप था वो था प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और बाकी सब में कैसा था, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, यहां यूकैरियोटिक, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक। अभी बताती हूं यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यहां पे भी
यूकैरियोटिक, मैंने शॉर्ट में लिखा है ईयू, पूरा है यूकैरियोटिक। देखो प्रो कैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, यानी कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब हुआ कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसी से हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट को छोड़ के थर्ड पॉइंट पर आइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है कहां पर, अगर वो सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक। तो यहां पे लिख दीजिए एब्सेंट, ए भी लिख रही हूं, और यहाँ यूकैरियोटिक है यानी कि कैसा क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यहां पे भी प्रेजेंट, प्रेजेंट और यहां पे भी प्रेजेंट, इसको मैं प्लस से डिनोट कर रही हूं, ठीक है। अब बात आती है सेल वॉल की, सेल वॉल जो होती है मोनेरा में वो होती है नॉन सेल्यूलोजिक, यानी इसमें सेल्यूलोज नहीं होता। प्रोटिस्टा में कैसी होती है, प्रोटिस्टा में बेटा कई बार क्या होता है, यूजुअली जो होती है वो जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है ना, तो इसमें कई बार तो लैक आप लिख सकते हैं, या फिर अगर होगी तो इसमें आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन मिलेगा। वहीं अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांटिंग जिसमें कि प्लांट्स आते हैं उसमें किसकी बनी होती है, सेल्युलोज की, तो हम लिख देंगे सेल्युलोज। और एनिमेलिया जिसमें कि एनिमल्स आते हैं तो हमें पता है कि एनिमल्स में तो क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ। अब आती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात, है ना, तो यहाँ पर आप प्रोटिस्टा में लिख देंगे प्रेजेंट इन सम, सम सम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि केवल कुछ ही मेंबर्स हैं जिनमें कि ये प्रेजेंट है, बाकी सब में एब्सेंट होती है। अब हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में जो होता है वो होता है सेलुलर टाइप का, प्रोटिस्टा में भी होता है कैसा, सेलुलर टाइप का, फंजाई में जो होता है वो होता है आपका मल्टी सेलुलर टाइप का, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, या आप कह सकते हैं लूज टिश्यू, है ना, लूज टिश्यू मिलेंगे। और प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन, है ना, ये मिलेंगे, टिश्यू भी मिलेंगे ऑर्गन भी मिलेंगे, और एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन के साथ क्या मिल जाएगा, टिश्यू और ऑर्गन, ये दोनों मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं एरो लगा रही हूं, साथ में प्लस लगा के मैं लिख रही हूं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये एनिमेलिया की बात हुई। लास्ट आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है अपना खाना खुद बनाना, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा में भी कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक। फंजाई में चूंकि क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। और प्लांटी जो होगा, प्लांटी कैसा होगा, प्लांटी में पता है प्लांट्स के अपना खाना खुद बनाते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक, और एनिमल्स खुद नहीं बनाते तो ये कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफिक। आज के लिए इतना बहुत है, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सबके फीचर्स, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।